जा रहे हैं हम कि हमारे बच्चे अपनी पूरी कैपेबिलिटीज को जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो कोर्स करें देखिए ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं। हमारी जो इंडियन आर्मी है वो बच्चों के लिए खास करके कोऑर्डिनेटेड और कोहेसिव एफर्ट्स की जरूरत होती है। जब तक के ऐसे हैं एसपीएम मंडल जहांगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया सर। कि हर मेडिकल केयर का जो असिस्टेंट था उसकी कितनी अहमियत थी। सो ये मेरा पहला पॉइंट है। सो इसलिए जो भी इसमें 20 गर्ल्स और 13 बॉयज़ जो हैं इस कोर्स में, वो अपनी पूरी तालीम अच्छी तरह से हासिल करें और अपने गांव के लिए, अपने पिंड के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें। अगला मैं कुछ अल्फाज, एक लाइफ की फिलॉसफी, उसके बारे में कुछ अल्फाज कहना चाहूँगा। मेरे जहन में ये आता है कि आप अपने आप को किसी भी तरह से कम ना समझें। आप ये ना सोचें कि हम तो बॉर्डर वाले हैं, तो कोई ये श्रीनगर वाले या ये फिर पुंछ वाले, रजौरी वाले, जम्मू वाले, ये बड़े हाई फाई लोग हैं, इनसे हम कैसे मुकाबला करें। ना, आपने अपने आप को मामा माजिद खान, गुलाम मुस्तफा, तबरेज, शफक, मोहम्मद मुस्तफा, ये हमारी खुशकिस्मती है कि सीओ साहब और एसडीएम साहब दोनों यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए और उनके हाथ से हम बच्चों को स्टेशनरी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। विजय साहब, कमिटी मेंबर्स, प्रोफेसर हजरत, डियर पार्टिसिपेंट्स, महेंद्र में आके मुझे इस चीज़ की बहुत ही खुशी हुई कि हमारी इंडियन आर्मी अपने पूरे एफर्ट्स के साथ सोसाइटी को सर्व कर रही है, बच्चों के कैरियर को लेके बहुत ही फोकस्ड है। क्योंकि जब से मैं महेंद्र में आया हूँ, मैंने बहुत सारे इवेंट्स ऐसे देखे जिसमें जो स्पॉन्सर से इंडियन आर्मी की तरफ से अंडर सद्भावना स्कीम के, खासकर मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स गेम्स देखी, एथलेटिक मीट देखे पीछे, और चाहे ये इस तरह के कोर्सेज हों, ये आर्मी की तरफ से कुछ बच्चे हैं उनको दिया गया है स्किल कोर्स के लिए। स्किल कोर्स में हो गया ये मेडिकल फर्स्ट ईयर जो है उसके लिए ज़्यादा इसमें है, तो उसके लिए ज़रा कमी भी है। प्रैक्टिकली स्टूडेंट बाद में हमारे पास उनको बताएंगे, जैसे कोई रास्ते में चलते चलते किसी का हार्ट उसमें क्या फर्स्ट एड करनी है, तो
उसमें अगर हर एक बंदा ट्रेंड हो जाए तो उसमें जो है मेरे ख्याल में जो है ना डेथ मेटलिटीज वगैरह थोड़ा वो कम हो जाएगा। सर आर्मी के इस तरीके के स्टेप्स कोर्सेज क्या कहेंगे? आई अप्रिशिएट आर्मी फॉर टेकिंग दिस टाइप ऑफ स्टेप्स। अगर ये हर गांव हर मोहल्ले में हर विलेज में अगर पाँच पाँच दस दस आदमी अगर हमारे बाजार में अगर पब्लिक की भीड़ है अगर 500-600 है तो उसमें 10-20 आदमी ऐसी जानकारी रखते हैं तो ऐसा कोई हादसा होता है तो वो कोई ना कोई पीछे का बचा सकते हैं। हमारा एक इंस्टीट्यूट है सनराइज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेंडर पे, यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी है तो उन्होंने एक कोर्स स्टार्ट करवाया है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का। ये जो रूरल एरिया बॉर्डर एरिया के बच्चे हैं उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए और वो अनस्किल्ड जो बच्चे हैं उनको स्किल्ड में कन्वर्ट करने के लिए, और ये आर्मी ने कोर्स करवाया है। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी मतलब स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं तो उनके लिए ये स्कीम्स है कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे तो कुछ हुनर सीखेंगे तो कल किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकें। तो बच्चे जो ये कोर्स है ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है तो ये 4 मंथ ड्यूरेशन है इसकी। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कल ये प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। आर्मी की इस तरीके के स्टेप्स क्या कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे हैं। देखिए इंडियन आर्मी तो जैसे आप ये हेल्थ का कोर्स स्टार्ट किया है ऐसे और भी बहुत सारे कोर्स करवाते हैं स्पोर्ट्स में और बाकी चीज़ों में, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं और आर्मी की बहुत सपोर्ट्स रहती है। और ये